गुड मॉर्निंग क्लास, MAVN के ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 में संस्कृत व्याकरण में आपका आज दूसरा टॉपिक वर्ण परिचय में व्यंजन है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था स्वर, आज हम लोग दूसरे लेक्चर में व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। हल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हल एक प्रत्याहार है। हल प्रत्याहार के अंतर्गत ये 33 वर्ड आते हैं जो व्यंजन हैं। जिस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अच प्रत्याहार पढ़ा था, अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं 9 स्वर, उसी तरह हल प्रत्याहार में 33 व्यंजन आते हैं। तो व्यंजन क्या है? व्यंजन वे वर्ड हैं जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते। इनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता होती लेनी पड़ती है। बिना स्वर की सहायता के ये अधूरे माने जाते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, जिसमें से पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। एक चौथा संयुक्त व्यंजन भी है जो आपके बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन माहेश्वर सूत्र के अनुसार अगर व्यंजन के प्रकार पूछे जाएं तो वो 3 ही हैं। चौथा है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ये संयुक्त यानी 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए हैं ये। सॉरी। और ये व्यंजन को बताया गया है कि किस किस तरह से यहाँ पर 33 वर्ड हुए हैं, 33 व्यंजन हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में दिया हुआ है कादियो मा उशानाह स्पर्शाह। कादियो मा उशानाह स्पर्शाह का मतलब हुआ का से, कादियो का से लेकर मा तक, मा उशानाह मा तक स्पर्श व्यंजन होते हैं। स्पर्श इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा कहीं ना कहीं मुंह के अंदर जो है स्पर्श करती है। उसमें का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग इसी तरह दिया हुआ है। वर्ग का मतलब होता है का, ख, ग, घ, अंग, इसी तरह सभी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन में यण प्रत्याहार होता है। एक यण प्रत्याहार के अंतर्गत य, र, ल, व ये 4 वर्ड आते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन में स, श, स, ह ये 4 वर्ण आते हैं जो सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ऊष्म व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, जैसे छ आपका बना है क, श, अ से मिलकर छ बना है, त, र, अ, त्रा बना हुआ है, ज, य, अ से ज्ञ बना हुआ है। एक चौथा है आपका अयोगवाह। अयोगवाह 4 होते हैं, अयोगवाह 4 होते हैं, जिसमें अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपधमानीय। अनुस्वार जो अक्षर के ऊपर लगता है, विसर्ग जो 2 बिंदी ऐसे होती है, जिह्वामूलीय आपके चैप्टर जिह्वामूलीय और उपधमानीय आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर पूछा जाता है कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है तो ये 4 होते हैं। इसका सिर्फ हम आपको जिसका जो प्रतीक है उसी को हम आपको बता देते हैं, ज़्यादा विस्तार से इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जिह्वामूली में देखिए ये इस तरीके का ये चिन्ह होता है, जैसे ये एक चिन्ह होता है जिह्वामूली का, और उपधमानी का भी ऐसे ही होता है, ये ऐसे, ये का खा में लगता है, ये पा फा में लगता है ये चिन्ह। तो ये आपका क्लास 6 में संस्कृत वर्ण परिचय में व्यंजन था। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन क्या है, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, 33 व्यंजन कैसे हुए, ये सभी आप जोड़ेंगे। ये 25 स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है।
इनकी चार है, ये भी चार है, तो 25 और चार 29 हो गए, 29 30 और 3 33, 33 व्यंजन इतना ही हुआ। अब आप सोचेंगे कि 3 कहाँ से आ गया, 33 से ज़्यादा हो गए, तो ये एक अलग से दिया हुआ है संयुक्त व्यंजन। मुख्यतः माहेश्वर सूत्र के अनुसार अगर संस्कृत वर्णमाला में आपसे कोई पूछता है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 9 होती है माहेश्वर सूत्रों के अनुसार, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग अच्छे से इसको अभ्यास करिएगा, 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को देखिएगा, जो भी डाउट हो तो उसको क्लियर करिएगा कंप्लेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके। तो आज की क्लास में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।